सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको फ्री में ग्रैंड लेग स्मॉल लीग हेड टू हेड की टीमें प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ पे आप होते हो 100% विनर। जी हाँ फ्रेंड, 100% विनिंग जोन पे आप रहते हो। और यदि आपको यहाँ पे हमारे प्राइम ग्रुप का मेंबर बनना है तो आपको सिर्फ 715 रुपीज़ दे के आप ग्रैंड लीग यहाँ से विन कर सकते हो। आईपीएल सीजन में आपको बता दूँ, यदि मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आपको बता दूँ इसके फ़ायदे क्या हैं कि आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग हेड टू हेड और स्मॉल लीग की फ्री टीमें प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर आप 100% विनिंग होते हो और वहाँ से आप अपना लॉस कवर कर सकते हो फ्री में। कोई भी चार्जेस इसके नहीं है यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। साथ ही बहुत सारे इस पे आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने शेड्यूल पे आईपीएल शेड्यूल में कि आपको हर एक मैच में फ्री एंट्री प्रोवाइड कराऊंगा, तो इस चैनल पे आपको हर एक ऐप के लिए आपको यहाँ पे बता दूँ कि फ्री एंट्री प्रोवाइड कराता हूँ, जहाँ पे आप यहाँ से 1000 रुपये पर डे आप अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, सही सुना, 1000 रुपये आप पर डे अर्निंग कर सकते हो। तो आज का जो मैच है वो मुंबई इंडियंस जो पिछला मैच हार के आई है, ठीक है ना, तो पिच के अंदाज़ा हो चुका है कि मुंबई इंडियंस को कैसे खेलना है। अब वहीं अपना पहला मैच केकेआर खेलने उतरी है, 5वां आईपीएल का मैच होने वाला है। इनमें से कौन से टॉप 11 प्लेयर्स होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। और जो भी अभी तक हमारे गेम चेंजर 11 को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको फ़ायदे क्या हैं कि साइन अप बोनस जो मिलेगा, आपको 100 रुपीज़ साइन अप बोनस मिल जाएगा। हर डिपॉजिट ऑफर में 100 रुपये डिपॉजिट करोगे तो 500 रुपये तक आपको डिपॉजिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल आपको यहाँ पे 600 मिल जाएंगे। साथ ही आपको वीकली लीडर बोर्ड में 10 लाख रुपीज़ जीतने का मौका मिल सकता है, जो आप आसानी से लाखों रुपीज़ आप वीकली अर्निंग कर सकते हो सिर्फ लीडर बोर्ड बने रहने पर। साथ ही आप यदि ग्रैंड प्राइज जीतना चाहते हो आईपीएल सीजन का, इस पर एक चला है ऑफर, तो आपको बता दूँ फर्स्ट प्राइज होगी वो गैलेक्सी फ़ोन आप पा सकते हो, ठीक है, नोट अल्ट्रा 9 प्रो, यहाँ से मैक प्रो का, यहाँ पे मैकबुक का, यहाँ पे लैपटॉप पा सकते हो। साथ ही 10,000 रुपीज़ तक आप पा सकते हो यहाँ से, रुपीज़ में भी 5,000 रुपीज़ आप सैमसंग गैलेक्सी और 10 लाख रुपीज़ की अर्निंग, मतलब काफ़ी कुछ एक ही ऐप में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 3 टाइप अर्निंग मिल जाएगी, एक लीडर बोर्ड वीकली, मंथली और रेफरल अर्निंग, ये सब कुछ आपको एक ही ऐप पे मिल जाएगी। साथ ही आपको क्या करना होगा, आईपीएल टीम आप यहाँ से आईपीएल पे आप 10 टीम के मिनिमम 6 टीम के साथ इस पे ज्वाइन हो और यहाँ पे आप लीडर बोर्ड में भाग ले सकते हो। और यहाँ पे जो भी हाईएस्ट रैंक लाता है तो आपको सैमसंग गैलेक्सी 9 अल्ट्रा प्रो मिलेगा, साथ ही 10 लाख रुपीज़ की ग्रैंड प्राइज मिलने वाली है, तो बहुत बड़ी रकम होती है। जल्दी से जाओ GC11 डाउनलोड कर लो, जो हमारे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। ये मैच पिच होने वाला है, जो आपको बता दूँ शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में, जो जहाँ पे मुंबई इंडियंस ने पहला मुकाबला खेला था, तो उसे पिच की बिहेवियर के बारे में पता है। आपको बता दूँ ज़्यादा मैचेस जो यहाँ पे जीतते हैं वो सेकंड इनिंग बैटिंग जीतते हैं, टोटल T20 डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी रहा है, 11 मैचेस हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 5 और सेकंड बैटिंग ने 6 विकेट लिया है, जो हाईएस्ट स्कोर पिछले मैच में 205 रन 4 विकेट रॉयल चैलेंजर्स यही इसी मैच पर मारा था 70 में 10, जो 2014 में यहाँ पर मैच हुए थे उस मैच की बात कर रहा मैं, ठीक है, आप रिकॉर्ड दे सकते हो। स्पिनर वर्सेस यहाँ पे पेसर का रिकॉर्ड जो रहा है, आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्पिनर और पेसर का 50% 50% योगदान रहेगा। तो आपको बता दूँ यहाँ पे ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन आप आसानी से चूज़ कर सकते हो, क्यों चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपके जो ऑलराउंडर में से होंगे या बैट्समैन के मोस्टली होंगे, क्योंकि एक आपको बता दूँ ये एवरेज पिच है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना, आप यहाँ पे एवरेज स्कोर भी दे सकते हो, बिलो स्कोर जो गया है, ठीक है, आप दे सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर दे सकते हो। तो ये दोनों टाइप की पिच है, बैटिंग प्लस बॉलिंग, जो टिक के खेलेगा हड़बड़ी के साथ नहीं खेलेगा तो एक लंबा स्कोर देखने को मिल सकता है, जैसे कि पहले मुकाबले में यहाँ से मारा था, ठीक है। तो आइए लास्ट 4 इनिंग की बात करें, तो यहाँ पे स्पिनर वर्सेस पे आप दे सकते हो, जो प्रेशर स्पिनर का रहा है 50% और 50% का रहा है रेशियो, जो लास्ट मैच पे यहाँ पे CSK वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था, जिसपे मुंबई इंडियंस ने 162 रन 9 विकेट में मारे थे, इसके और भी ज़्यादा रन बन सकते थे, लेकिन ज़्यादा पोलार्ड और करुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या लंबे शॉट
के चक्कर में आउट हो गए, मतलब जल्दीबाजी कर दिए, ओवर काफ़ी पड़े थे, जल्दीबाजी कर दिए और वो आउट हो गए। तो जो भी टिक के खेलेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा, यहाँ पे उसके ही बॉल वाले रहेंगे। यहाँ पे स्पिनर वर्सेस पेसर की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे भी 5:9 का है। जो आपको बता दूँ, एक ये रेशियो के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे 50/50 रेशियो रहा है। ये उतनी ही मददगार पेसर के लिए है, उतनी ही मददगार पिच आपके बॉलिंग आपके स्पिनर के लिए है। तो यहाँ पे लास्ट मैचेस की केकेआर की देखा दूँ, यहाँ पे केकेआर 133/7 मुंबई इंडियंस ने जीता था, 134 रन एक विकेट बना था, जिसपे राणा, गिल और कृष्णा, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, यादव, कुंटल, डिकॉक, बुमराह, हार्दिक पांड्या। तो आज आप बता दूँ, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, लेकिन आज के मैच में यहाँ पे आपको बता दूँ कि 70% चांसेस बन रहे हैं हार्दिक पांड्या के बॉलिंग करने के, ठीक है ना। सेकंड मैच फिर से यहाँ से केकेआर ने जीता था, जिसपे केकेआर ने 232 रन दो विकेट, यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने 198/7 विकेट बहुत ही अच्छा पीछा किया था, जिसमें गिल ने 76, रसल ने 80+2 विकेट, कार्तिक ने 2, सुनील नारायण ने 2 विकेट लिया था। यहाँ पे हार्दिक पांड्या जो आपको बता दूँ इस मैच में भी बने हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हें ले के रखा है। यहाँ पे 91+1 विकेट लिया था सूर्यकुमार यादव, 26, कुणाल पांडे 24, राहुल चहर, किरण पोलार्ड। यहाँ पे आपको बता दूँ पोलार्ड भी जो होंगे वो मिनिमम हो सकते हैं, तो आप उनकी जगह कुछ अलग से बैट्समैन या बॉलिंग के साथ जा सकते हो। यहाँ पे 50/50% बन रहा है पोलार्ड यदि बॉलिंग कर सकते हैं तो। यदि आपको बता दूँ मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर ही काफ़ी हैं, तो पोलार्ड साइड जा नहीं सकते, क्योंकि मुंबई इंडियंस अपने 4 बॉलर के साथ उतर रही है, साथ ही ऑलराउंडर में कुणाल पांड्या जो हैं, जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो अपने पूरे ओवर करते हैं और विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे केकेआर मुंबई इंडियंस ने तीसरा मैच खेला, जिसपे केकेआर ने 108 रन 10 विकेट पे आउट हो गया था, जिसपे मुंबई इंडियंस ने 210 रन 6 विकेट, राणा ने, कृष्णा नारायण कि आप दे सकते हो। यहाँ पे ईशान किशन ने 62, रोहित शर्मा 36, सूर्य कुमार यादव 36 और हार्दिक पांड्या 19+2 विकेट, कुणाल पांड्या 8+2 विकेट और जसप्रीत बुमराह 1 विकेट। आपको बता दूँ जसप्रीत बुमराह इस टीम के विरुद्ध एवरेज परफॉर्मेंस कम से कम एक विकेट जरूर लेके जाएगा, तो आप यदि रिक्स लेना नहीं चाहते तो आप इन्हें लेके जा सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स की प्रॉब्लम पड़ने वाली है। तो बुमराह को आप ड्रॉप करके, आपको बता दूँ कुणाल पांड्या पे भी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 8.5 पॉइंट्स पे आपको मिल जाएंगे जीसी इलेवन पे और ड्रीम इलेवन पे। अदर ऐप में यदि आप खेलते हो तो लिंक के डिस्क्रिप्शन पे काफ़ी सारी लिंकें मिल जाएंगी प्रेडिक्शन की, क्रिकेट फैंटेसी की, जहाँ पे आपको बता दूँ 100% आपको पेमेंट रिसीव करा दी जाती है। आप जो भी डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लो, सभी की उस पर फ्री एंट्री भी प्रोवाइड कराता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो भी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लो, और फ्रेंड हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट करते जाओ, कमेंट जरूर करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे और भी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दे सकूँ, जो आप ग्रैंड लीग ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपए आप आसानी से जीत सकते हो। यहाँ पे केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था, जिसपे 168 वर्स और मुंबई इंडियंस ने 181, राणा, कार्तिक, सुनील नारायण ने 5+2 विकेट, एंडर रसल 9+2 विकेट। यहाँ पे आपको बता दूँ कि आईपीएल में सुनील नारायण काफ़ी कम मैचेस पे ओपनिंग करने आते हैं, ठीक है, नहीं तो ये अपने 6-7 डाउन पे बैटिंग करने आते। तो आज देखने लायक होगा कि सुनील नारायण क्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं। एंडर रसल जो आएंगे वो आपको बता दूँ यदि जल्दी विकेट गिर जाता है तब उनकी आएगी, लेकिन लास्ट मैचेस पे फिनिशर कहे जाते हैं तो लास्ट ओवरों में ये आएंगे। तो एक आपको बता दूँ CPL में इनका रिकॉर्ड उतना खास नज़र नहीं आया, 1-2 50 मारी थी, बॉलिंग भी बहुत कम किए थे, लेकिन IPL पे KKR की तरफ से ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करता है बंदा, और साथ ही बॉलिंग बैटिंग से भी अच्छे हाथ दिखाता है, तो एक IPL के लिए अलग ही क्रेज रहा है इसका। सुनील नारायण भी पिछले साल इस ये ओपनिंग ज़्यादातर मैचेस पे आया है, तो एक अच्छा पिक हो सकता है। मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और जसप्रीत बुमराह मैकलेन में 1 विकेट पाया था। जैसा कि मैंने बताया एवरेज विकेट जो रहेगा बुमराह का 1 विकेट हर एक इस पे ला के देगा। यहाँ पे KKR मुंबई इंडियंस की फिर से मुंबई इंडियंस जीती थी। यहाँ पे पलड़ा भारी है किस टीम का, मुंबई इंडियंस का, क्योंकि पिछले 5 मुकाबले में 4 मुकाबला मुंबई इंडियंस जीता है। इस पे मुंबई इंडियंस ने 111 रन डिफेंड कर लिया था, 107 रन 10 विकेट पे KKR आउट हो गई थी। यहाँ पे सुनील नारायण ने 10, यहाँ पे कुणाल पांड्या 45, रोहित शर्मा 26, बुमराह ने 3 विकेट लिया था। हेड टू हेड की रिकॉर्ड करें तो ये टोटल हेड टू हेड पे जो बेस्ट रहेंगे रोहित शर्मा 19 मैच में 708 रन, सूर्य कुमार यादव 4 मैच पे 167 रन। देख सकते हो इनका रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव का
चार मैच खेले हैं और 167 रन मारे हैं। हार्दिक पांड्या 10 मैच में 294 रन और 11 विकेट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज के मैच में यहां पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर सकता है। सौरभ तिवारी यहां पे 5 मैच पे 132 रन, कुणाल पांड्या 8 मैच पे 108 रन 6 विकेट, जसप्रीत बुमराह 10 मैच में 9 विकेट। तो एवरेज देख सकते हो बुमराह का यहाँ पे। फिर उसके बाद आपके नारायण गिल और सुनील नारायण मिल जाएंगे, आपके एवरेज हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब यहाँ पे, अब टॉप यहाँ पे प्लेइंग 11 की परफॉर्मेंस। यहाँ पे शुभम गिल एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, नारिंग का हमने सीपीएल रिकॉर्ड देख ही चुका है। एक नितिन राणा जो आपके ऑलराउंडर सेक्शन पे मिल जाएंगे, रिसेंट पे परफॉर्मेंस बहुत ही गजब की दे के आ रहे हैं। दिनेश कार्तिक एवरेज दे के आ रहे हैं, ठीक है। इयान मॉर्गन एक अच्छे पिक हो सकते हैं आज के मैच के लिए। अंडर रशल हैं, आप दे सकते हो, टॉप 5 परफॉर्मेंस मैं लेके आया उनके लिए। पेट कमिक्स हैं, एवरेज परफॉर्मेंस देखे जाएंगे, इनकी जगह आप किसी और को ले सकते हो, लेकिन एक जैसे कि फास्ट बॉलिंग पिच है। देखिए एक इस अच्छा आपको बता दूं कि अच्छा टैलेंटेड बॉलर है और इन्हें लेके जरूर जाओ। कुलदीप यादव अपने सभी मैचेस पे विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा जो अपने लिस्ट ए में सभी मैच में विकेट लिया, अपने 5 मुकाबले में यहाँ से इसने 14 विकेट लिया है, 5 मुकाबले में 14 विकेट लिया, तो आप दे सकते हो, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लाइकली प्रसिद्ध कृष्णा पेट कमिक्स बॉलिंग करेंगे, और यहाँ पे डेथ ओवर में पेट कमिक्स एनीवन कोई एक कर सकता है। यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन पे आपको मिल जाएंगे दिनेश कार्तिक जो रिसेंट पे परफॉर्मेंस नायक हैं, मॉर्गन की परफॉर्मेंस दे सकते हो, गिल की, राहुल त्रिपाठी हैं। उसके बाद 2 परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आर सिंह हैं, टी बर्नथम हैं, यदि खेलते हैं तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं, रिसेंट पे आप दे सकते हो। एक बहुत अच्छे ग्रैंड लीग पिक हैं सुनील नारायण, इन्हें ज़रूर लेके जाए। नितिन राणा भी हैं, इन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते सुनील नीतीश राणा को, ठीक है। पेट कमिक्स हैं, कुलदीप यादव अपने सभी मैचेस पे बॉलिंग निकालने की क्षमता रखते हैं। बॉलिंग पे आपको बता दूं जहाँ पे ये मेडन ओवर भी काफ़ी कर चुके हैं आईपीएल पे, साथ ही विकेट भी निकाल के रखा है, ठीक है। यहाँ पे वैरियर हैं, और ये आप नोट करते जाएं, बहुत ही अच्छे हैं, और जो मैच खेलेगा मुंबई की प्रॉपर 11 की जो रहेगी यहाँ पे, रोहित शर्मा, डीकॉक, सूर्यकुमार यादव अपनी वही टीम के साथ आना चाहेगी जो आप दे सकते हो, एक 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 विकेट लिया है, ठीक है। और इनकी टीम दे सकते हो यहाँ से, जो डीकॉक रहेंगी बैट्समैन पे दे सकते हो। एवरेज क्रिस लिंग भी शायद आज का मैच खेलें तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं, और आपको बता दूँ अच्छे चल रहे हैं ये बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, दे सकते हो, अच्छे हैं। सबका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा कि जे पटिशन का पिछले मैच में मैंने इनका रिकॉर्ड बताया था कि अपने हर एक मैच में ये विकेट निकालते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर लेके जाएं। उनकी जगह आप चाहें तो बुमराह को ही ड्रॉप कर दे, तो मेरा वो प्रेडिक्शन सही निकला, बुमराह को मैंने ड्रॉप किया था, वो सिर्फ 1 विकेट पाया लेकिन इसने 3 विकेट लेके गया था, तो एक बहुत अच्छा पिक है आपके लिए, साथ ही बैटिंग भी कर लेता है ठीक ठाक। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको टीम प्रोवाइड करा देता हूँ यहाँ पे जीसी 11 पे। क्विंटल रिकॉर्ड दिनेश कार्तिक के साथ मैं जाऊंगा विकेट कीपर सेक्शन पे, सूर्य कुमार यादव, मॉर्गन गिल, यदि मॉर्गन नहीं खेलते तो उनकी जगह आप यहां से ऑलराउंडर सेक्शन पे आ जाइएगा, ठीक है। इस पे इस टीम की बात कर रहा, यहां पे कैप्टन मैंने सुनील नारायण को बनाया, वाइस कैप्टन एंडर रसल को, पांड्या को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, डिकॉर भी बहुत अच्छे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। यदि आप इनके इनकी जगह नहीं लेना चाहते तो आप, आपको बता दूं इयान मॉर्गन की जगह नीतीश राणा को पिक करिएगा इस टीम के विरुद्ध, ठीक है, एक क्योंकि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। कुलदीप यादव, टेड बोल्ट और जे पेटिशन, यहाँ पर पॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत होने वाली है, इसलिए मैंने कुछ इस टाइप की टीम प्रोवाइड आपके लिए लाके दी है। तो आइए चलते हैं अब ड्रीम 11 पे। तो ड्रीम 11 में जो भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लें, बहुत ही अच्छा ऐप है, देख सकते हो 49 रुपीज़ में 1 करोड़ रुपीज़ की फर्स्ट ग्रैंड प्राइज है, 35 रुपीज़ में 15 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपको बता दूँ जो मेरी फर्स्ट टीमें बनेंगी कुछ ऐसे, डीकॉक, दिनेश कार्तिक, विकेट कीपर सेक्शन से सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, सुनील नारायण, यहाँ पे अंडर रसल, और यहाँ पे जेट पटिशन, पिट कॉमिक्स और कुलदीप यादव के साथ मैं गया हूँ। पहली टीम हमारी ये ग्रैंड लीग की बनने वाली है। दूसरी टीम यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे रोहित शर्मा, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, इयान मॉर्गन। मॉर्गन की जगह आप यहाँ पे यदि ले सकते हो तो यहाँ पे नीतीश राणा को पिक कर सकते हो। यहाँ पे पेट कमिंस को फिल लाया है, आपको बता दूँ उनकी जगह आप किसी अदर को ले सकते हो। टॉस के बाद मैं कुछ अपडेट कराऊँगा जो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा, तो टॉस के बाद जो भी चेंजेस होते हैं इस टीम पे तो आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। यदि आपको ग्रैंड लीग जीतना हो, हेड टू हेड जीतना है, 100% विनिंग करनी है, तो आप टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
जो मेरी थर्ड और मोस्टली टीम बनने वाली है, यहाँ पे मैंने थोड़ी फेवर किया है, ऑलराउंडर पे ज़्यादा फोकस किया है। हार्दिक पांड्या को आप मैंने वाइस कैप्टन लिया, जैसा कि बताया एक बैटिंग पिच और एवरेज पिच है। तो ईयन मॉर्गन एक टेक्निकल बल्लेबाज हैं, रुक के खेलते हैं, इसलिए मैंने इन्हें कैप्टन लिया है। हार्दिक पांड्या आज के मैच में शायद बॉलिंग करे तो बॉलिंग से भी एक आध दो विकेट लेके जाएगा, और साथ ही बैटिंग करने जो थर्ड डाउन पे आएगा तो एक अच्छे रन भी बना सकता है, इसलिए मैंने वाइस कैप्टन इन्हें लिया। ठीक है, अब बॉलिंग डिपार्टमेंट से ज़रूर आप चेंजेस कर सकते हो। पेट कमिंस ज़्यादा रेफर कर रहे हैं तो आप इनकी जगह और किसी को ले सकते हो, क्योंकि आपके जो मोस्ट बॉलर होते हैं ना तो उनके ओवर पे कम पिटाई करते हैं लोग। बल्लेबाजी जो मोस्टली बल्लेबाज हैं वो कम मारने जाते हैं, लेकिन जो आपके छोटे हैं और उन पे ये प्रेशर डालेंगे और विकेट कोई और ले जाएगा। तो ये टिप जितनी भी अभी तक मैंने दी है फॉलो करिएगा। टेलीग्राम चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही अच्छी टीम मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही आपको टिप देता हूँ, आपको बता दूँ कि वहाँ पे आपको हर एक मैच की फ्री एंट्री भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो हमें मोटिवेट ऐसे ही करते ही रहिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।